كذلك نخرج الموتى لكم और वो है कि अपनी बाने रहमत से पहले हवाओं को शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम वाला है। यकीनन आसमानों और जमीन के कुल जानदार और तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदे करते हैं और जरा भी तकब्बुर नहीं करते। और अपने रब से जो उनके ऊपर है कब कपाते रहते हैं और जो हुक्म मिल जाए उसकी तामील करते हैं। وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الله إرشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है, क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते हो। तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब अल्लाह की दी हुई है, अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो उसी की तरफ गिड़गिड़ाते हो। और जहाँ उसने वो मुसीबत तुमसे दफा कर दी तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं। ये हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री करें, अच्छा कुछ फायदा उठा लो, आखिरकार तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। और जिसे जानते पूछते भी नहीं उसका हिस्सा हमारी दी हुई चीजें मुकर्रर करते हैं, वल्लाह तुम्हारे इस बहतान का सवाल तुमसे जरूर ही किया जाएगा। और वो अल्लाह सुभानहू के लिए लड़कियां मुकर्रर करते हैं और अपने लिए वो जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। उनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाए तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर की वजह से लोगों से छुपा छुपा फिरता है, सोचता है कि क्या इस जिल्लत को लिए हुए ही रहे या उसे मिट्टी में दबा दे। आह क्या ही बुरे फैसले करते हैं। لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بری مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے،
वो बड़ा ही गालिब और बाहिकमत है। वलो युआखिदु